कह सकता हूँ कि कंक्लूडिंग एक वक्तव्य भी होगा, और गांधी जी के बारे में जब बात हो और कुमार प्रशांत जी ना हो, तो गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष, चिंतक, विचारक श्री कुमार प्रशांत जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी बात रखें। साथियों, प्रवीण जी को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सिर्फ बोलने से थकान नहीं होती है, सुनने से भी होती है। इसलिए अगर यहाँ कम संख्या हो तो ये बात की जा सकती है, यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप सुनते सुनते ही थक जाते हो। लेकिन फिर भी पता नहीं कितने समय तक बोलना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 12 मिनट तक अपनी बात रखें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 12 मिनट की सीमा नहीं मानूंगा। आज पत्रकारिता दिवस है, पत्रकारों के साथ, पत्रकारों के बीच पत्रकारिता का महोत्सव, इससे अच्छा तो संयोग हो ही नहीं सकता है। कल्पना भी अच्छी है, आयोजन भी अच्छा है, आयोजकों को बधाई देता हूँ मैं। लेकिन इसमें जो आपने एक बात जोड़ दी है कि पत्रकारिता गांधी जी के संदर्भ में, तो बात थोड़ी नई भी हो जाती है, थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। इसलिए उसी संदर्भ में थोड़ी बात आपके सामने रखता हूँ कि दरअसल में हम लोग पत्रकारिता को वहाँ खोज रहे हैं जहाँ ये पत्रकारिता खोई नहीं है। पत्रकारिता सम्मेलनों में नहीं खोई है, पत्रकारों के समूह में नहीं खोई है, ये खोई तो कहीं और है। अपने इस्लाम के इतिहास में राबिया बसरी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी साधिका रही हैं, बहुत कुछ अपने कबीर जैसी, बहुत खराब बोलने वाली, मर्म पर चोट करने वाली। तो धर्म के एक मजमेबाज जिनका उस दौर में बड़ा असर था, बड़े लोगों को बुलाकर बड़ी संख्या में उनके दिमाग जहरीले बनाना जिनका काम था, ऐसी एक मजमे में राबिया बसरी भी उपस्थित थी और एक अंधेरे से कोने में बैठकर ज़मीन पर कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। किसी ने पूछा, राबिया क्या खोज रही हो? तो कहा, सुई खो गई है, वो खोज रही हूँ। तो पूछा, कहाँ खो गई? तो बोली, घर में खो गई थी। तो कहा कि अरे, जहाँ खोई वहाँ खोजो ना, जहाँ नहीं खोई वहाँ क्यों खोज रहे हो? तो बोली कि तुमसे भी तो यही कहने आई हूँ मैं कि धर्म कहाँ खोया है वो खोजो ना, इस भीड़ में क्या खोज रहे हो, खोया कहाँ है? तो दोस्तों, हमारी पत्रकारिता कहीं और नहीं खोई है, हमारे भीतर खो गई है। हमारे भीतर जो खो गया है उसको बाहर खोजने की कोशिश मत कीजिए। एक ऐसे दौर में आपने, प्रवीण जी ने, उनके साथियों ने ये सम्मेलन बुलाया है, पत्रकारिता सम्मेलन, जब पत्रकारिता बची नहीं है। पत्रकारिता जिसको कहते हैं आप, और इंदौर में अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ,
कि पत्रकारिता नाम की चीज़ कहीं आपको दिखाई देती है क्या, चाहे अखबार आप देखते हों, कैमरे की पत्रकारिता देखते हों, जो लोग गले की पत्रकारिता करते हैं उनको सुनते हों, या जो लोग कलम से लिखते हैं उनका लिखा पढ़ते हों, आपको पत्रकारिता कहीं दिखाई देती है? कलमें बहुत हो गई हैं, लिखती नहीं हैं, नाचती हैं। किसकी धुन पर नाचती हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि दोस्तों ये जो कलम नाम की चीज़ है जो हमसे हर पत्रकार की जेब में रखी हुई है, या मैं कहूँ कि हर साक्षर आदमी की जेब में रखी हुई है, ये है तो 6 इंच की, लेकिन 56 इंच से भी ज़्यादा बड़े कलेजा मांगती है चलने के लिए। बहुत मुश्किल से चलती है। मैं देख रहा था 1870 का एक ब्राह्मण नाम का पत्र था उस समय, आप सन की याद कीजिएगा, 1878 की बात कह रहा हूँ। पत्र का नाम है ब्राह्मण, और उस पत्र में पंडित प्रताप नारायण मिश्र लिख रहे हैं कि अखबारों का धर्म है मेल बढ़ाना और सद्गुण फैलाना। 1878 में ब्राह्मण नाम के पत्र में एक पत्रकार ये चिंता कर रहा है कि पत्रकारिता का धर्म है मेल बढ़ाना और सद्गुण फैलाना। मेल बढ़ाना और सद्गुण फैलाना, ये दो चीज़ें ही अगर हम लोग आज की पत्रकारिता में खोजने की कोशिश करें तो दोस्तों खाली हाथ वापस आएंगे, क्योंकि पत्रकारिता तो कुछ और ही कर रही है। अठारह का अखबार अगर ये कहता है तो इससे एक और बात भी हमको पहचाननी चाहिए कि समस्या से हम ही लोग आज नहीं घिरे हैं। 1878 का पत्रकार भी एक समस्या से जूझ रहा था, समाज में समरसता कैसे पैदा की जाए और उस समरसता को पैदा करने में हम पत्रकारों की क्या भूमिका हो। हम लोगों को गलतफहमी होती है कि हम ही दबाव में हैं। लोग कहते हैं समय बहुत बदल गया है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों समय नहीं बदला है, हम बदले हैं। समय तो वही है क्योंकि चुनौती वही है। 1925 में विष्णु पराड़कर लिखते हैं कि समाचार पत्रों का 2 मुख्य धर्म है, समाज का चित्रण करना यानी जो समाज आज दिख रहा है वो लोगों तक पहुंचाना, और लोक मिलाप की कोशिश करना। 1878 का जो पत्रकार कह रहा था, 1925 का पत्रकार भी अपनी भाषा में वही शब्द वही बातें कह रहे हैं। आप देखिए चीज़ें कैसे चल रही हैं, आपके करीब पहुंच रही हैं। और एकदम पास में अगर आ जाइए तो गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप में लिखते हैं कि संसार के अधिकांश समाचार पत्र पैसा कमाने के लिए और झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के लिए छपते हैं। ये आज का कोई पत्रकार नहीं लिख रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप अखबार में लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो कहा नहीं, चलती बड़ी मुश्किल से है। आप गलतफहमी में रहते हो कि ये कलम स्याही से चलती है, स्याही से बहुत थोड़े दिन चलती है, बाद में आपकी आस्था के खून से चलती है। और जो लोग ये चीज़ें इस कलम में नहीं भर पाते हैं उनकी कलम नाचती बहुत है, लिखती कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उस आस्था को कहाँ खो बैठे हैं उसको हम समझें भी और उसको खोजने की कोशिश भी करें।
सरकार के पक्ष में लिखते हैं या सरकार के विपक्ष में? मेरे बारे में लोग कहते हैं आप विपक्ष में बहुत लिखते हैं। मैं कहता हूं मैं कभी भी विपक्ष में नहीं लिखता हूं। मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष में कभी भी नहीं लिखता हूं, सत्य के साथ चलने की कोशिश करता हूं। और सत्य कहो वह सरकार के विपक्ष में जाता है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो चिंता सरकार को होनी चाहिए कि हर सच्ची बात उसके विपक्ष में क्यों जाती है। इसीलिए पत्रकारिता का अगर कोई काम है, कोई धर्म है दोस्तों, तो सच के साथ खड़े होने का धर्म है, सच कहने का धर्म है, सच लिखने का धर्म है। ठीक उसी तरह से जैसे कैमरे का धर्म है कि उसके लेंस के सामने जो खड़ा है उसको वैसे ही खींच देना। तो हम सब लोग जो पत्रकार हैं अपने वक्त के कैमरे हैं, जिसके सामने जो भी आए वो वैसा ही का वैसा सामने वाले तक पहुंचा दिया जाए। इसीलिए कोई खोजी पत्रकार है, कोई विपक्ष का पत्रकार है, कोई सत्ता पक्ष का पत्रकार है, तो दोस्तों पहले वो पत्रकार नहीं है, कलम चलाता होगा। इसीलिए कलम बड़ी खतरनाक चीज है। अब हम लोग आते हैं थोड़े गांधी के पास, जिनके संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए एक 24-25 साल का लड़का है, एक ऐसा लड़का है जो न कभी अच्छा लेखक था न कभी अच्छा वक्ता था। थोड़ा बहुत जो वेजिटेरियनम वगैरह के बारे में लिखा है उन्होंने, शाकाहार वगैरह के बारे में, वो एक अलग चीज़ है, वो कोई पत्रकारिता नहीं है। तो ना उसके लिखने में कोई दिलचस्पी है, न वो अच्छा बोलता है, न पत्रकार है, न कभी बनना चाहता है। लेकिन वो पत्रकार भी बना, वो वक्ता भी बना, और अपने दौर के सबसे अच्छे पत्रकारों में गिना जाने लगा। इसके पीछे क्या कारण है? वो जो 24-25 साल का लड़का है वो एक ऐसी धरती पर खड़ा है, ऐसे देश में खड़ा है जो न उसका अपना देश है, न उसकी अपनी भाषा है, न उसके लोग हैं, और वैसी जगह पर उसको एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। वो कहानी लंबी नहीं करता हूँ, आप सभी जानते होंगे उसको। उसको एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है, और उस लड़ाई के सामना करने में वो ये पहचानता है कि जिन लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहता है वो सारे बेहद टुकड़ों में टूटे हुए लोग हैं। उतने ही टुकड़ों में टूटे हुए हैं दोस्तों जितने टुकड़े में आज हम लोग टूटे हुए हैं, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर। क्योंकि सारे मजदूर लोग यहाँ से मजदूरी करने और जीवन यापन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ले जाए गए हैं गुलामों की हालत में, और वहाँ पूरा एक भारतीय समाज है, एशियाई समाज है, जो उतने ही टुकड़ों में टूटा हुआ है। और गांधी उनको लेकर जब एक लड़ाई की बात सोचते हैं तो उनको लगता है कि जब तक ये लोग एक नहीं होते हैं तब तक ये लड़ाई हो नहीं सकती। तो वो जोड़ने की बात जो शुरू में मैंने आपसे कही प्रताप नारायण मिश्र जी के संदर्भ में, वो गांधी को आज सामने दिखाई देती है। और तब वो 24-25 साल का लड़का नटाल इंडियन कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाता है, जो नटाल में रहने वाले सारे प्रवासी मजदूरों की का एक मंच का रूप लेती है। और दोस्तों उसी नटाल इंडियन कांग्रेस के बगल में एक अखबार पैदा होता है जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी की पत्रकारिता का बीजारोपण होता है। कहाँ से होता है? जिस लड़ाई को वो शुरू कर रहे हैं उसके हथियार के रूप में। यानी गांधी की पत्रकारिता उनकी लड़ाई का उपकरण है, व्यापार नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, उनकी लड़ाई की ज़रूरत में से पैदा हुआ एक हथियार है जो पत्रकारिता है। दो चीज़ें इसमें आपके ध्यान में आनी चाहिए।
जिस दक्षिण अफ्रीका में किसी को ये मालूम भी नहीं है कि ये सारे मजदूरों की भी कोई ओपिनियन है, अखबार का नाम रखते हैं इंडियन ओपिनियन, सामने वाले को बताते हैं कि हमारा भी एक ओपिनियन है, हमारी भी एक राय है। इसलिए दोस्तों, अखबार का नाम क्या रखते हो ये बहुत महत्व की बात है। कहना क्या चाहते हो, नाम से कोई संदेश देना चाहते हो? उनको ये संदेश देना था दक्षिण अफ्रीका को कि हमारी बात भी सुनो, क्योंकि हमारे पास भी कहने के लिए एक ओपिनियन है। इसलिए नाम रखा इंडियन ओपिनियन। तीन भाषाओं में निकाला उसको। हम लोग भाषा का महत्व बहुत कम समझते हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। वो अखबार तीन भाषाओं में शुरू हुआ, अंग्रेजी में जिनको उनको बात कहनी थी, गुजराती में और तमिल में जिनसे बात जिनकी बात कहनी थी, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग थे तमिल के लोग थे, गुजरात के लोग थे, और जिनसे बात करनी थी वो अंग्रेज लोग थे। इसको ध्यान में रखकर तीन भाषाओं में उसको शुरू किया उन्होंने। अभी शुरू हो रही है पत्रकारिता उनकी, इसको ध्यान में आप रखेंगे तो आप इस बात को समझ सकेंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य के प्रयोग अपनी आत्मकथा का नाम उन्होंने रखा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उनकी पत्रकारिता भी हिज एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ किए हुए प्रयोगों का प्रतिफल उनकी पत्रकारिता में दिखाई देता है। तो पत्रकारिता जीवन से अलग नहीं है, पत्रकारिता जीवन मूल्यों से अलग नहीं है, पत्रकारिता उस संघर्ष से अलग नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। ये तीन बातें अगर हम लोग समझें तो गांधी की पत्रकारिता को समझने में बड़ी आसानी होगी। ये इंडियन ओपिनियन 10 सालों तक चला लगातार। जॉन ने अभी जो बताया उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि बगैर एक भी अंक छूटे हुए। आप गांधी की उम्र का ध्यान रखिएगा, लाठी वाले गांधी की कल्पना मत कीजिएगा, एकदम नौजवान लड़का है, अभी अपनी पहचान भी बना रहा है, दूसरों की पहचान भी खोज रहा है, वहाँ ही अखबार शुरू होता है। और 10 साल तक ये अखबार चलता है, एक अंक भी ऐसा नहीं है जिसमें एज ए एडिटर गांधी खुद लिखते नहीं। और कहते हैं, फिर मैं कोट कर रहा हूँ उनको, कि मेरे लिए यह अखबार यानी इंडियन ओपिनियन संयम की तालीम सिद्ध हुआ। यह संयम बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, शब्द नहीं है सिर्फ। आज तो मैं देखता हूं शीर्षक आप कैसे लगाते हो, मैं हैरान रह जाता हूं कि कोई पत्रकार ऐसे शीर्षक सोच कैसे सकता है जिसमें संयम की कोई जगह ही नहीं है। ये कहते हैं कि मेरे लिए अखबार संयम की तालीम सिद्ध हुआ है, इसमें एक शब्द भी, आप वाक्य पर ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द भी कभी मैंने बिना विचारे बिना तौले हुए लिखा हो या किसी को खुश करने के लिए अथवा जानबूझकर किसी बात की अतिशयोक्ति करने के लिए लिखा हो, ऐसा मुझको याद नहीं आता है, एक शब्द भी। इस अखबार के बगैर मैं सत्याग्रह की उस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकता था जिसको मैंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। ये कितना बड़ा हथियार है, आप इसकी कल्पना कीजिए, उनका अखबार। इस अखबार के द्वारा मुझे मनुष्य के रंग बिरंगे स्वभावों का पता चला, तीखे कड़वे मीठे या भांति भांति के जो पत्र मेरे नाम से अखबार में आते रहे, उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना, विचारों का सार लेकर उनका उत्तर भी देना, ये सब मेरी शिक्षा में कितना काम आया है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पत्र एक जबरदस्त शक्ति है। लेकिन जिस प्रकार निरंकुश पानी का प्रवाह गांव के गांव डुबा देता है,
लहलाती फसलें नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक निरंकुश कलम पूरे समाज को जड़ से उखाड़ सकती है। वो हो रहा है आज, इसलिए भी आप ध्यान में रखिए, हमारी कलम से समाज की जड़ खोदी जा रही है। इसका कोई उदाहरण खोजने की जरूरत नहीं है, आंखों के सामने दिखाई देता है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल है, निरंकुश कलम पर रोक लगाने का काम अगर बाहर से हो तो वह निरंकुश कलम से भी ज्यादा विषैला हो जाता है। बातचीत चल रही है, इससे पहले की सरकारों ने भी बाहर से नियंत्रित करने की काफी सारी कोशिशें की हैं, अब एक नई तरह की कोशिश शुरू हो रही है। वो कहते हैं कि जो निरंकुश कलम का खतरा है वो और भी विषैला हो जाता है अगर उसको बाहर की किसी ताकत से आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अंकुश तो अंदर का ही होना चाहिए, यानी आपके आत्मानुशासन में से ही आपकी कलम अनुशासित होनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, गांधी कह रहे हैं कि उपयोगी और निकम्मे दोनों साथ साथ चलेंगे और धीरे धीरे समाज उपयोगी को संभालना और निरुपयोगी को छोड़ देना सीख जाएगा। यानी लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में समाज को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ से वो खुद सही और गलत का विवेक करना सीख ले, ये गांधी मानते हैं। अब गांधी भारत आते हैं 1915 में। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मान करके एक साल तक मौन रहते हैं। गोखले कहते हैं उनसे कि कान और आंख खुली रखो और मुंह बंद रखो, किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना, कहीं भाषण नहीं करना, इस देश को देखो, इस देश को समझो, क्योंकि गांधी का भारत से परिचय नहीं है। 18-19 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, वहाँ से लौटे और लौटने के तुरंत ही बाद दक्षिण अफ्रीका चले गए और करीब करीब 30 साल दक्षिण अफ्रीका में बीते, तो भारत को जानते नहीं हैं। आनंद मोहन जी कह रहे थे ना कि चंपारण कहाँ है ये भी नहीं मालूम था उनको, नील खेती क्या है, भाषा क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अजनबीपन है, इस अजनबीपन को दूर करने के लिए उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि इस देश को पहचान तो लो। तो गांधी के जीवन में 1916 के दौर में आपको गांधी कहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं, इस देश को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी भारतीयों का जमावड़ा होता है वहाँ वो पहुँचते हैं, ये जानने के लिए कि इनकी बुनावट कैसी है, इनके मत विश्वास कैसे हैं, किन परंपराओं से जुड़ते हैं ये लोग। और वहाँ से गांधी को फिर हम 17 में चंपारण में पाते हैं, जहाँ का किस्सा बहुत विस्तार से अरविंद मोहन जी ने आपके सामने रखा। चंपारण से लौटते हैं, फिर खेड़ा का सत्याग्रह आते हैं, और 1919 में, आप सन का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी जोड़ने में, 17 बीच में एक 18, 19 में गांधी भारत में आकर के अपना पहला अखबार शुरू करते हैं, यंग इंडिया। एक अखबार वहाँ शुरू किया था जब लड़ाई शुरू की थी, एक अखबार यहाँ शुरू किया है जब लड़ाई शुरू हुई है, यानी लड़ाई के लिए उनको अखबार की ज़रूरत है। यंग इंडिया निकलता है, फिर नवजीवन निकालते हैं, और जिस चीज़ ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का की बागडोर गांधी के हाथ में सौंप दी, या कहूँ कि गांधी जिससे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हुए दोस्तों, वो पत्रकारिता का सवाल था। जब रॉलेट एक्ट बनकर आया और भारतीय पत्रकारों की अभिव्यक्ति पर बहुत सारी बंदिशें लगाने की कोशिश की, गांधी ने उसको एक नेशनल इशू बनाया। कहने वाले लोग कहते हैं कि भाई कितने पढ़े लिखे लोग अपने देश में हैं जो पत्र प्रेस की स्वतंत्रता की बात समझ सकते हैं।
उस समय तो इससे भी कम लोग थे। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले बंदिश को एक राष्ट्रीय आंदोलन का विषय बनाकर गांधी ने लोगों के सामने रखा और रॉलेट एक्ट के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसका विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई। उसमें गांधी का अपना अखबार बंद हुआ, क्योंकि सारे अखबार बंद किए पर जो बंदिशें लगीं उसके खिलाफ गांधी ने अपनी हिंद स्वराज छाप कर निकाला, जिस उनकी किताब पर बैंड लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने, उसके विरोध में सत्याग्रह के रूप में उस अखबार उस किताब का एडिशन उन्होंने बाहर किया, पर्चे छापे उसके खिलाफ, अपनी प्रेस की कुर्की के खिलाफ बयान निकाले, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी पत्रकारिता का विकास हुआ। 1935 में आकर के हरिजन अखबार शुरू हुआ, कई भाषाओं में शुरू हुआ। शायद ही कोई दूसरा पत्रकार होगा, मैं नहीं जानता हूँ, जो एक साथ 6 अखबारों को एडिट करता था अलग अलग भाषाओं में, और हर के लिए वो खुद लिखते थे, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, ये 3 में तो सतत लिखते थे। तो जिसको आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कहते हैं, गांधी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। किसी स्वतंत्रता आंदोलन का नेता इतना प्रखर पत्रकार भी रहा हो, ऐसा उदाहरण ढूंढना मुश्किल होगा। हालांकि गांधी के साथ के सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रखर पत्रकार भी हैं, सुंदर लिखते हैं अधिकांश लोग। जवाहरलाल नेहरू खुद ही बहुत प्रखर पत्रकार थे। गांधी की रिपोर्टिंग का सेंस आप देखिए, नेशनल हेराल्ड में जो जवाहरलाल नेहरू का अखबार है उसमें एक रिपोर्ट छपी है, कल शहर में जवाहरलाल नेहरू की सभा हुई है और उस सभा की रिपोर्ट अखबार में छपी है, और गांधी तुरंत कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं अखबार को कि कल जो रिपोर्ट छपी है उससे अच्छी रिपोर्ट हो नहीं सकती थी। पत्रकारिता की समझ गांधी की मैं आपको बता रहा हूँ, वो पढ़ते हैं और तुरंत कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं। बाद में पता चला कि अपनी मीटिंग की वो रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही लिखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू के लेखन की विशेषता तो है ही है कि वो अपनी ही मीटिंग की रिपोर्टिंग तटस्थता के साथ कर सकते थे, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग की क्वालिटी पहचानने की जो गांधी की नज़र थी उसको भी आप देखिए। तो इतने सारे अखबारों को चलाते हुए भारत की आज़ादी की लड़ाई को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश उन्होंने की जो अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी रास्ता था। आपको लगता है क्या कि अहिंसा की लड़ाई में सच में कोई ताकत है? ये बात इतनी आसानी से गले उतरी होगी लोगों के, क्योंकि उनसे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि अहिंसा की भी कोई लड़ाई होती है। एक मज़ेदार किस्सा है कि चंपारण से जाते हुए रास्ते में मुजफ्फरपुर में उनको रुकना पड़ता है और आचार्य कृपलानी के घर वो ठहरते हैं, जैसा अरविंद जी बता रहे थे, और आचार्य कृपलानी इतिहास के प्रोफेसर हैं। तो इतिहास विभाग के बच्चों को उन्होंने कहा है कि भाई एक ऐसा आदमी आ रहा है मेरे घर में, रात भर रुकने वाला है, तुम लोग भी आ जाओ अगर बात करनी है उनसे। तो जैसे उत्सुकता से बच्चे आते हैं वैसे आकर बच्चे बैठे, और बैरिस्टर एम के गांधी जो हैं वो उनसे बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ। उस कहानी को कहते हुए कहते हैं कि वहीं पर मुझको एक चीज़ मिली ऐसी, लड़ाई का एक ऐसा तरीका मेरे हाथ में आया जिससे मैंने इस तरह की लड़ाई लड़ी और उसका नाम मैंने सत्याग्रह रखा। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी ये हथियार काम आ सकते हैं। अभी भारत में कहीं सत्याग्रह हुआ नहीं, अभी तो आए ही आए हैं। तो बच्चों ने तो सुन लिया, लेकिन प्रोफेसर साहब को बड़ी दिक्कत हुई। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ये तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं तो दुनिया भर का इतिहास पढ़ाता हूँ, दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई देश किसी सत्याग्रह से आज़ाद हुआ है।
आप ऐसी बात कह रहे हैं जो इतिहास में लिखा भी नहीं है। तो कहते हैं प्रोफेसर, कुछ लोग इतिहास पढ़ाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, और जब इतिहास बन जाता है तो तुम्हारे जैसे प्रोफेसर उसको पढ़ाने लगते हैं। और दोस्तों, वो इतिहास ऐसा बना कि आज दुनिया में शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होगी, शायद ही कोई बड़ा कॉलेज ऐसा होगा जिसमें गांधी दर्शन का एक अलग विभाग नहीं बन गया, जिस इतिहास को समझने में दुनिया भर में लोग लगे हुए हैं। मैं पेरिस के कॉलेज का उद्घाटन करने गया था, गांधी विभाग का। कितने फ्रेंच लड़के लड़कियां थे उस दिन, मैं हैरान रह गया उनको देखकर कि हमारे देश में शायद गांधी की कक्षा में इतने लोग आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों, उससे भी आश्चर्य की बात हुई, उन लोगों ने जो सवाल पूछे मैं दंग रह गया कि गांधी विचार के संदर्भ में इतनी गहराई से सोचे हुए और कंस्ट्रक्ट किए हुए सवाल पूछे जा सकते हैं नए बच्चों के द्वारा। हम तो गांधी पढ़ा नहीं है कह के निकल जाते हैं। गांधी पढ़ा नहीं है ये कह के निकल जाने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि अगर गांधी का ही रास्ता बच गया है एकमात्र रास्ता, या आप कहते हैं कि गांधी के रास्ते में ही बहुत सारी बातों के जवाब हैं, तो उसको पढ़े बगैर कैसे चलेगा। इसलिए गांधी को पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए गांधी की पत्रकारिता के साथ जो रिश्ता है गांधी का, इस रिश्ते को भी ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो आज अगर पत्रकारिता को गांधी के साथ जुड़ना हो तो क्या किया जाए, तो तीन बातें मैं आपसे कह सकता हूँ, जो पत्रकार हैं उनके लिए भी, जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो अखबार के पाठक हैं उनके लिए भी। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकार हैं वो सच लिखें। एकदम छोटी सी बात है लेकिन मैं जानता हूँ कितनी खतरनाक बात है, मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल बात है, एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है सच लिखना। तो आप तौलिए, अपने जेब में रखी हुई कलम को भी तौलिए, सच का बोझ उठा सकती है क्या? नहीं उठा सकती है दोस्तों, आपको लगे कि ये मुश्किल जाएगा, तो आपके लिए एक दूसरा विकल्प भी कहता हूँ, सच नहीं लिख सकते हैं तो सच का साथ देने वाला लेखन कीजिए। समाज में जो कुछ भी कहीं भी कुछ सच का काम हो रहा है उसके साथ आपका लेखन जुड़े, इसकी कोशिश कीजिए। ये भी खतरनाक काम है, पहचान लिए जाओगे। तो मैं भी पत्रकार हूं इसलिए मैं जानता हूं क्या खतरे हैं, इसलिए अगर ये सच के साथ जुड़ने वाली बात भी आपके को मुश्किल मालूम दे, भारी मालूम दे, तो एक तीसरा विकल्प भी आपके सामने रखता हूं। सच का समर्थन कीजिए, और अगर ये तीसरा विकल्प भी आपको मुश्किल मालूम देता हो तो कलम छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कम में पत्रकारिता नाम की चीज नहीं हो सकती। तो आज गांधी के संदर्भ में और पत्रकारिता की आज जो जरूरत है उसके संदर्भ में अगर मुझको कुछ कहना हो तो शायद इससे आसान कोई बात मैं कह नहीं सकता हूं। लिखा है किसी ने, बड़ी अच्छी सी पंक्ति है, वही कह के खत्म करता हूं, कि मालूम है मुझको कि बड़ी जुर्म है ये बात, मालूम है मुझको कि बड़ी जुर्म है ये बात, मैं ख्वाब देखता हूं मुझे मार दीजिए। तो कुछ ख्वाब देखें हम लोग भी जिनके हाथ में कलम है, तो बात बहुत दूर तक जा सकती है। आप सबका बहुत धन्यवाद।